बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी, जिसके लिए मैंने लिया है दही और इसमें मैंने ऐड किया है बेसन। और आप लोग देख सकते हैं कि टोमेटोज पड़े हुए हैं और मैंने इसमें डालना है। अच्छा, ये आप पहले देख ले कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। आप लोग चेक कर सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को। ओके, इसके लिए मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक पेस्ट, मिर्च और ये है टोमेटोस। तो तीन अदद जो है तो बड़े बड़े टोमेटोस मैंने लिए हैं। अब मैंने ऐड किया है ऑयल और इसमें मैं पहले डालूँगी लहसुन अदरक पेस्ट। तो तकरीबन एक जो है तो चम्मच ये पेस्ट मैंने बना लिया था और मैं इसको करूँगी गोल्डन और चम्मच से मैं इसको फैलाऊँगी पहले, ताकि एक ही जगह पर ये जल ना जाए। तो आग जो है तो आप लोगों ने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जल्दी ये जो है तो जल जाता है। तो आप लोगों ने इसको देखना है कि ये जले ना। अब जो है तो ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक पेस्ट, और इसमें मैं डालूँगी टोमेटोज और फोर जो है तो मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं और मैंने इसको काटा है और मैं इसको डाल रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हरी मिर्चें जो हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं खानों में। तो इसको करते आप लोग मिक्स, और मैंने कर दिया इसको मिक्स। यकीन है आप लोगों को तरीका आता होगा, रेसिपी आती होगी, लेकिन मैं किस तरह बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती। चलो, तो आप लोगों ने टमाटर जो है इसको करना है अच्छे तरीके से पकाना है। मैंने इसमें डाला है नमक, ज़ीरा डालूँगी मैं तकरीबन हाफ टेबल स्पून, और इसको कर दें मिक्स। ज़ीरे का जो टेस्ट है तो बहुत ही अमेजिंग आता है। तो मैंने इसको ऐड कर दिया। अब मैंने लिया है ये मसाला जो है तो मैंने लिया था किस चीज़ का, तकरीबन 1.5 टीस्पून है ये, तो बिरयानी मसाला है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है तो ऐड होती है, इसलिए आई प्रेफर्ड टू यूज़ दिस। सो मैंने यूज़ कर लिया। अब मैंने इसमें ऐड करना है जो देसी घी होता है, तो वो मैं ऐड करूँगी, क्योंकि उससे इसका जायका बेहतरीन आएगा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पक रहा है, मैंने क्या क्या चीज़ें जो हैं तो ऐड की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब। अच्छा, तो ये हैं चार मगज़ इसको बोलते हैं, और ये सीड्स होती हैं डिफरेंट चीज़ों की, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो आप लोग ड्राई फ्रूट्स जो शॉप होता है उनका, तो उनसे ले सकते हैं। मैंने धनिया ऐड किया है, और ये जो है तो तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है तो मैंने ऐड किया, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोगों ने मज़ीद टोमेटोस को पकाना है अच्छे तरीके से, और हल्की आंच पर आप लोगों ने पकाना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। अब टोमेटो जो हैं तो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैंने इसमें डाला था वो दही और बेसन जो ऐड किया है, मैंने इसको ब्लेंड किया है। तो इसमें मैं एक बाउल जो है तो पानी ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी ऐड कर लिया है, और जब तक उबाल ना आए आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि
अगर हम चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसमें बेसन जो है तो उसकी गुठलियाँ बन जाएगी, लम्स बन जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप लोग जो है तो चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से चलाते रहें। तो उबाल आने तक आप लोग ट्राई करें कि चम्मच चलाएं। तो मैंने भी इस तरह किया है और ये आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा और कितना अच्छा जो है तो बन रहा है। तो ये पाकिस्तान का जो है तो फेमस डिश है और हम कह सकते हैं कि फेवरेट तरीन जो है तो डिश है। खड़ी लोग इसमें पकौड़ा भी ऐड करते हैं लेकिन आई डोंट लाइक दैट, सो आई थॉट टू शेयर जस्ट इसका क्या है कड़ी का कड़ी की रेसिपी जो है तो आप लोग के साथ शेयर करूं। तो साइड से जो है तो आप लोगों ने हटाना है और ये देखें उबाल आ चुका है। आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाते रहना है और इसमें अगर आप लोग चाहें तो इसको इसमें पानी भी डाल सकते हैं और जितना आपका टेस्ट है मतलब जितना आप लोग को पसंद है गाढ़ा उतना आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखें ये जब साइड्स पर लग जाए तो इसको आप लोगों ने हटाना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो कड़ी हमारी कड़ी जो है तो ऑलमोस्ट डन है लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से अब हमने पकाना है और ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए। मैंने सब्ज़ धनिया जो है तो वो भी डाल दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा जो है तो लुक आ जाता है। ऊपर से मैंने डाल दिया है इंतहाई लजीज होता है और ये देखिए उबाल आ चुका है। मैंने इसको करना है गोल्डन और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और मज़ीद इस तरह की वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाती रहूँगी। अगर पसंद आए तो ठीक, अगर पसंद ना आए तो फिर भी आप लोग जो हैं तो देखते रहें। सो ये देखें धनिया में धनिया इसमें बहुत ही प्यारा लग रहा है और इंसान का दिल करता है कि बस खा ही लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, यकीन आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने धनिया भी ऐड कर लिया है गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग इज़ मस्ट फॉर ऑल द रेसिपीज़, सो यू वी शुड गार्निश और डिश विद डिफरेंट थिंग्स, सो इससे बहुत अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। थैंक्स अगेन, थैंक्स, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।